आईवी इंडिया न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। जनपद हरदोई में बुखार से कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन पर कोई खासा फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। वायरल बुखार से मौत होने के बावजूद भी प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। विकासखंड संडीला में फीवर बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है और कई लोग मलेरिया के भी शिकार हो चुके हैं। वायरल बुखार के चलते लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जब उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्वामी दयाल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की देखरेख में टीमों को गठित कर गाँव में लगातार भेजा जा रहा है और कैंप लगाकर जांच भी कार्रवाई की जा रही है। सर, जैसा कि आजकल रहस्यमय बुखार से इसको जोड़ के देखा जा रहा है, बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं जिसमें खासकर फीवर का इस वक्त ज़्यादा जिक्र चल रहा है, ये किस तरीके का फीवर है और सर गांव में ये क्यों फैल रहा है, कुछ इसका कारण स्पष्ट करें। इस समय बुखार जो है 5 बीमारियों के कारण जो है चल रहा है। एक तो आपका मलेरिया का बुखार है, दूसरा टाइफाइड का बुखार है, तीसरा हेपेटाइटिस का बुखार है, चौथा वायरल फीवर है और पांचवा डेंगू फीवर है, जो इस समय जो है काफ़ी तेज़ी से जो है पूरे जनपद में चल रहा है। और सर कितने क्या पेशेंट हैं 2 दिनों में 3 दिन में, ये आप पिछले 3 दिनों का जरा डेटा बताएं कि किस तरीके से क्या रहा है और किस तरीके से यहाँ टीमें भेजी जा रही हैं गाँव में, किस तरीके की जाँच हो रही है। अभी जो संडीला है उसमें हमने जो है पूरे ब्लॉक को कवर करने के लिए जो है एक एनएम की टीम बनाई है, एनएम के लीडरशिप में, जिसके साथ में आशा रहेंगी, हर गांव का भ्रमण करेंगी, जितने मरीज होंगे उनको चिन्हित करेंगी, जो बुखार के मरीज होंगे उनको पैरास्टामॉल की गोली देंगी, जो गंभीर रोगी होंगे उनके लिए सूचना सीसी में भिजवाएंगी, यहाँ से डॉक्टर्स के नेतृत्व में और ट्रेंड स्टाफ के नेतृत्व में टीम वहाँ पहुँचेगी, उनका ब्लड सैंपल कलेक्ट करेगी, उनकी जाँच करेगी, बीमारी का पता लगाएगी किस कारण से।